तो फिर हेलो बैंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो आखिरकार मैं ले ही आया हूँ फौरन ह्यूमंगसॉर की वीडियो पे, जिसका अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं तो इस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर ही कर रहे होंगे कि कब मैं ये वीडियो लाऊँगा, कब इसे बनाऊँगा। और मैं भी ये पहली वीडियो हो सकती थी मेरी, लेकिन फिर धीरे धीरे दूसरी वीडियो दिमाग में आती गई तो फिर ये टल गई ये वीडियो आने से। तो फिर ऐसे टटते ये 17 वीडियोस बना दी मैंने और ये अब आई है। तो फिर आखिरकार आ तो गई और आई है, तो मैं इसे अच्छे से बनाऊंगा। वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप में से कोई भी यूट्यूब पे चैनल खोलना चाहते हैं बेंटन का, तो फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि चैनल खोलना तो आसान है लेकिन उसमें वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर अगर आपको खोना है तो पहले आप को इस चीज़ के रेडी होना चाहिए कि आप दिन में थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकें वीडियो बनाने के, और ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना बोलूँगा कि अगर आपको चैनल खोना है तो कोई आसान काम नहीं है, आपको रेडी रहना पड़ता है उसके लिए। और जैसा लोग चाहते हैं वैसी वीडियोज़ बनानी पड़ती है। तो फिर मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ये वीडियोज़ बनाना, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम है लेकिन बड़ा ही मुश्किल है। हर बाद में एडिट करना है और फिर वीडियो के सब कुछ सोच कर रखना है, तो फिर वो सब बड़ा ही मुश्किल होता है। तो फिर अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ मैं, तो फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं फौरन से ह्यूमंगसॉर आप में से हर किसी के फेवरेट एलियन की लिस्ट में तो आती होंगी। फेवरेट एलियन की टॉप 5 लिस्ट अगर मैं आप सबसे पूछूँ तो आप सब कमेंट में से ये लिखेंगे, ये जो भी लिखेंगे उसमें ये दोनों एलियंस फौरन से ह्यूमंगसॉर ज़रूर आएंगे। तो फिर अगर आपको रहता और फौरन के ओरिजिन स्टोरी चाहिए तो वो भी मैं बना दूँगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेरी वीडियो पहली बारी खोलिए और उसमें 10 लाइक कीजिए, मतलब एक इंसान तो नहीं कर सकता, और एक लाइक कर दीजिए। और ऐसे करते करते 10 लाइक हो जाएंगे तो मैं तो ह्यूमंगसॉर की ओरिजिन स्टोरी पे भी वीडियो बना दूंगा। तो फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दूंगा, लेकिन साथ में यहाँ पे ऊपर सजेशन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ में एंड स्क्रीन में भी आप उसे देख सकते हैं। तो फिर हाँ, लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद ही मैं करूँगा, इसलिए आप वीडियो अपलोड होने के 1 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को वॉच करें तो आपको डिस्क्रिप्शन वाला लिंक तो मिल जाएगा, लेकिन आपको सजेशन और एंड स्क्रीन वाला लिंक नहीं मिलेगा। और मैं अभी एडिट कर लूँगा, जैसे वीडियो बना रहा हूँ मैं, जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही एडिट कर लूँगा और उसमें लिंक डाल दूँगा, लेकिन उसमें 1 मिनट तो लगेगा ही क्योंकि दो दो चीज़ें करनी होती है जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है। अब टॉपिक पर आएँ तो फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है और दोनों ही फैन फेवरेट भी हैं, दोनों की फाइट हम लोग देखना चाहते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन हैं, दोनों एलियंस को ही फाइट हो तो फिर कौन जीतेगा ये बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है कहना, इसलिए मैंने भी बड़ी मुश्किल से बनाई है वीडियो। और क्या होगा वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। ये डिसीजन लेना बड़ा ही मुश्किल है लेकिन आखिर मैं ले लूँगा। तो फिर और ये बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल वीडियो है, तो फिर अभी लेकिन अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो फिर पहले बात करते हैं हम फोरम्स की। तो ये फोरम बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन, फैन फेवरेट भी है। आपका फेवरेट एलियन फोरम के ह्यूमंगसॉर में से कोई एक हो तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्त भी आपकी तरह बेंटन फैन है तो उसके बाद ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और कि क्विज मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर क्विज है कि ये कौन सा एरियन है, बहुत ही ईजी। अगर आपने ओमनिवर्स की सीरीज देखी होगी तो, और अगर आप बेंटन में इंटरेस्टेड रहे तो फिर आपको ये ज़रूर पता होगा, आपने इस पर कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी होंगी। तो फिर आप जल्दी से वीडियो ख़त्म होने के बाद इसे कमेंट में बता दीजिएगा।
तो मैं फुल आर्म्स के बाद से इंस्टेंट एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी एनहांस्ड एजिलिटी एनहांस्ड जंपिंग स्किल्स एनहांस्ड डेक्सटेबिलिटी और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और डी टी एन में बताऊँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये अपने से बहुत ज़्यादा बड़े वजन को भी उठा सकता है इस, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है डी एन ए, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है ये एलियन। इसकी एजिलिटी भी अच्छी खासी है, इस ये एलियन बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है। इसकी वीकनेस पे आने से पहले बता देता हूँ कि ये कोलोसेंट का एक टेट्रामेंट डीएनए है जो कि मेंटन की ऑमनीट्रिक्स में है या फिर ऑमनीट्रिक्स में है, और इसे आप लोगों ने हर सीरीज में लगभग देखा था एलियन 4 सीरीज के, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है। और ये ऑमनीट्रिक्स या फिर सॉरी ऑमनीट्रिक्स में भी है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनकी स्पीसीज बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब इसकी वीकनेस आए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है 12 फुट का, साथ ही में ये बहुत ज़्यादा मोटा भी होते हैं, तो फिर इस वजह से ये पतली जगहों पे नहीं आ सकते या फिर बड़ी छोटी जगहों में भी नहीं आ सकते, साथ ही में स्पीड फाइटिंग भी नहीं कर सकते। ये लेकिन इतना सब कुछ बता दिए तो फिर उनके बारे में बोनस फैक्ट भी बता देता हूँ। तो फिर और ये स्पीड फाइटिंग भी नहीं कर सकता, और क्या मैं दो बोनस फैक्ट बता देता हूँ कि ये वॉल क्लाइंब इतना मोटा होने के बाद भी वॉल पे चल सकता है, और साथ ही में ये अर्थक्वेक जनरेशन भी कर सकता है। अब बात करते हैं ह्यूमंगसॉर की, तो भाई ह्यूमंगसॉर भी बहुत ज़्यादा फैन फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एरियन है मेंटेन का। ये एक वेक्टोसाइलेंट स्पीसीज का डीएनए है पूरे ऑमनीट्रिक्स में, ये हमें लगभग हर सीरीज में दिखाया गया था सिवाय पहली यानी क्लासिक सीरीज के। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एरियन का एनहांस्ड एंड एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी एनहांस्ड डेक्सटेबिलिटी साइज इंक्रीजिंग पावर स्पेस सर्वाइवेबिलिटी फॉर लिमिटेड टाइम एनहांस्ड एजिलिटी हाई जंप जंपिंग एजिलिटी स्पेशलिटी। और डिटेल में बताऊँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एरियन है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये अपने से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एलियंस को हरा सकता है, ये वे अपने से ज़्यादा वेट को भी उठा सकता है, अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इसके अलावा जंपिंग इसकी स्पेशलिटी भी है, तो फिर ये बहुत ही ऊँचे ऊँचे जंप लगा सकता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है, कुछ टाइम तक स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब इसकी वीकनेस में बताऊँ तो फिर ये 12 फुट का होता है, 60 फुट तक का अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 5 फुट यानी 5 गुना सॉरी 60 फुट यानी 5 गुना, तो बस 5 गुना साइज इंक्रीज कर सकता है, और बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं, तो फिर ये ज़्यादा पतली या फिर बड़ी छोटी जगहों में नहीं आ सकते फोर आर्म्स की तरह। और ये फोर आर्म्स इनका टेल अटैक कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जब तक कि अपने अल्टीमेट फॉर्म में नहीं आ जाते, और ये एरियन जो है वो बहुत ऊँचे ऊँचे जंप्स तो लगा देता है, लेकिन उसके पैर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हमने वो सीरीज में हमने देखा था कि इसके पैर छोटे होते हैं, और हमने हर सीरीज में देखा है सिवाय रिबूट सीरीज के कि इसके पैर एज कम्पेयर टू ह्यूमंस जो रेशियो होता है पैर, मतलब जो पैर का साइज़ अपने हमारे हाथों के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, वहीं पे इसके पैर अपने हाथों से थोड़े से छोटे थे, इसकी वजह से इसको किक करने में भी मुश्किल होती है। अब विनर की तरफ आते हैं। विनर बताने से पहले बता देता हूँ कि बेंटन के क्रिएटर्स ने बताया कि टेटरमेंट स्पीसीज स्ट्रेंथ में ह्यूमंगसॉर यानी वेक्सोसॉरियन स्पीसीज से पावरफुल होती है, लेकिन डिसीजन बताऊँ तो मैंने होगा ह्यूमंगसॉर, तो फिर इसलिए क्योंकि
साइज इंक्रीज भी कर सकता है, उसका टेल अटैक भी है, ये साइज इंक्रीज करे तो दूर से ही उसको पकड़ सकता है, साथ यानी कि दूर से पकड़ के दूर तक फेंक देगा उसे। इसका तो अल्टीमेट फॉर्म भी है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अल्टीमेट फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने बताया नॉर्मल फॉर्म से, और अगर हम ऐसे नॉर्मल फॉर्म में ही करें तो वैसे भी स्ट्रेंथ ही उन्होंने बताई है उससे ज़्यादा ड्यूरेबल है। और इसके बारे में भी अब दो फैक्ट तो बता ही देता हूँ कि इसको चोट लगती है तो बैन को भी चोट लगती है, और ये पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता, और स्पेस में फाइट होता तो ऑब्वियसली फौरन सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन ये कुछ टाइम तक सर्वाइव करेगा तो फिर यही जीतेगा, और अगर अर्थ में फाइट हो तो भी मेरे ख्याल से यही जीतेगा, क्योंकि ये इसका साइज इंक्रीजिंग पावर से ये जीत सकता है, और ये उससे ड्यूरेबल भी है, तो मेरे ख्याल से मैंने है ह्यूमंगसॉर। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय। अगला वीडियो मैं काइबर पे बनाऊंगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो फिर जब तक के लिए बाय। और आपको आज थोड़ी सी और वीडियो देखने तो एंड स्क्रीन पे वो आपको मिल जाएगी।